नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज आपको विशेष मेहमानों से मिलवाने जा रहा हूं, जिनका नाम है आदरणीय श्री लटूलाल जी यादव एवं आदरणीय श्री खेमराज जी यादव। आदरणीय श्री लटूलाल जी यादव 85 यानी 85 वर्षीय गायत्री परिवार जन है और आदरणीय श्री खेमराज जी यादव गायत्री परिवार गायत्री गौशाला और स्वामी रामदेव की पतंजलि योग दर्शन पीठ से जुड़े हुए हैं। सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक सेवा के दायरे में इनका नाम काफी आदर के साथ लिया जाता है और आदरणीय लटूलाल जी यादव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के प्रखर शिष्य रहे हैं। आइए हम जानते हैं श्री खेमराज जी यादव से कि किस प्रकार से ये यात्रा रही और किस प्रकार से उनका परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ना हुआ, किस प्रकार से वो गायत्री परिवार के संपर्क में आए और किस प्रकार से उनका अनुभव रहा। आदरणीय श्री खेमराज जी यादव। डॉक्टर साहब, पंडित साहब को प्रणाम, सरस्वत नमन। आज आपने हमारे को मौका दिया गुरुदेव के बारे में बताने का। आदरणीय जो बाबू जी है, ये आज के 60 साल पहले है ना, जो आउनखेड़ा में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। बाबू जी खेती करते थे और बैल चलाते, मतलब मुख्य पढ़े लिखे भी नहीं थे ज्यादा, पर बाबू जी को गुरुदेव की चेतना ने हमारे जो वहां के जो एक टीचर थे, आगे जाके वो भी संत बने, बोरखेड़ा जिनका आश्रम था उनके साथ है ना, जो आउनखेड़ा गए। आउनखेड़ा गए तो गुरुजी ने इनको देखा, अरे मिले के बेटे अपन तो है ना, जो पूर्व जन्म से है ना, जो मिले हुए हैं सब, क्या पुनर्जन्म हो रहा है अपना। तो फिर गुरुजी से जुड़े, गुरुजी जुड़ने के बाद ये फिर उस यज्ञ से वापस आ गए। एक बार ये फिर है ना, जो बीमार हो गए, बहुत इनको संगणी टाइप बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज उस टाइम चिकित्सा विज्ञान भी इतना नहीं था। तो गुरुदेव ने ये पहले चिट्ठी एक माध्यम होती थी किसी भी सूचना के लिए, तो इनके पास पोस्ट कार्ड आया गुरुजी का कि बेटे तू यहाँ आ जा, तेरी चिकित्सा मैं करूंगा। तो उन्होंने बुलाया और इनकी चिकित्सा की। अच्छा, गुरुदेव ने 15 दिन तक इनके है ना जो चिकित्सा की और इन्होंने को कहा बेटा हम तेरे को है ना जो एक बेटी देंगे और तू है ना जो हमारी निर्माण की योजना जो आगे 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है उसकी निर्माण की कड़ी होगी। तुम ये समझ नहीं थे गुरुदेव, मेरा तो जो भी है ना सब आपके लिए है। जब ये वापस वहां से ठीक हो गया तो इन्होंने महसूस किया कि जिंदगी में क्या रखा है और ये मिशन से गुरुदेव से जुड़ गए। और उसके बाद फिर ये शांति कुंज में आदरणीय लटूलाल जी 23 वर्षों तक निवास किया इन्होंने, और उसके बाद में इनके कैसे कैसे अनुभव रहे और आपका विशेष अनुभव किस प्रकार रहा, आप किस प्रकार से इनके जीवन में आए एक दामाद बन के, उसके बारे में बताएं। उसके बाद आदरणीय डॉक्टर साहब इनको है ना जो एक कन्या थी, मतलब इनको एक मैसेज थी जो उन्होंने गुरुजी ने पहले बोल दिया था कि बेटे तेरे को हम है ना जो एक वो देंगे, वो दिया। तो उसके बाद ये है ना जो फिर शांति कुंज गए गुरुदेव के, मैं तो यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। तो वहां जो भी जो गुरुजी के वहां जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आप क्या व्यवस्था, आप क्या। गुरुदेव ने कहा इनको बहुत बड़े स्थान दो और इनको रखो। तो गुरुदेव के पास ये रहे और फिर ये है ना जो वहाँ गतिविधियों में शामिल होते रहे। उसके बाद है ना जो फिर जैसे बच्ची यहाँ बड़ी हुई, मतलब मिसेज है ना जो मेरी पत्नी थी, इनकी जो बच्ची थी वो बड़ी हुई, तो उन्होंने जब देव कन्याओं के लिए जब वो थोड़ी मैच्योर होगी, मतलब अपना काम खुद करने लगी 10वीं बारी में, तो देव कन्याओं में जब शांति कुंज का निर्माण हुआ ना क्या, तो वहां प्रथम जो देव कन्या थी उनमें गुरुदेव ने दीदी के साथ लिया है। अच्छा, बिल्कुल। उसके पश्चात जैसे जीवन में आपने बताया गुरुदेव ने इनकी चिकित्सा की और आपकी जो धर्म पत्नी है वो देवकन्या रही, और उसके पश्चात आपके जीवन में किस प्रकार के आपने गुरुदेव से जब मिले आप तो किस प्रकार के परिवर्तन देखे, उन्होंने किस प्रकार से आपको बताया जीवन निर्माण के बारे में जब आप गुरुदेव से मिले। तो गुरुदेव ने बताया जब हम वहां जाते थे तो वहाँ मतलब क्या है कि वहां जब शिविर चलते थे ना, 5-5 दिन से शिविर चलते थे, तो शिविरों में बताते थे गुरुदेव कि भाई ये है ना जो अपन को पहले युग निर्माण की, मैं शॉर्ट में बातें करता हूँ, उन्होंने कहा कि युग निर्माण के है ना जो 3 स्टेप है, एक तो साधनात्मक और एक रचनात्मक और एक संघर्षात्मक। तो गुरुदेव ने कहा कि साधनात्मक में तो यह है कि पहले सदो, सदने का मतलब ये नहीं कि आप पंडे बन जाओ पुजारी बन जाओ,
सद्धे का मतलब है समाज कल्याण के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सज जाओ। वह एक सिद्धि थी गुरुदेव की। दूसरा था उनका रचनात्मक, गुरुदेव का रचनात्मक में यह था कि किसी भी, मैंने है ना गुरुदेव का बहुत बड़ा साहित्य है उसमें है ना, उन्होंने सब सूत्रीकरण 109 सूत्र बता दिए कि भाई बेटा जिसको जैसा मसाला ठीक लगे, जैसे सबकी खाने पीने में अलग अलग चॉइस होती है, ऐसे अलग अलग व्रति होती है काम करने की। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे आप कोई सा भी काम करो। तो हमने दूसरा उनका जो स्टेप था वो रचनात्मक था। तीसरा, जब दो चीजें में आप पास हो जाओगे तो फिर संघर्षात्मक है, आप कहने जो गलत का विरोध करो। बेटे अगर आप चुप रहोगे तो युग निर्माण नहीं होगा, विश्व शांति उज्जवल भविष्य नहीं होगा, आपको गलत का तो विरोध करना ही करना पड़ेगा। इस तरह से हम गुरु जी से। और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे कि गुरुदेव का जो मिशन था आदरणीय गठूलाल जी, तो जब गुरुदेव का जो यज्ञ हुआ था अवधखेड़ा में, मथुरा में यज्ञ हुआ था 1971 में, तब भी आप गए थे और गुरुदेव का मिशन इतना एक मत्स्य अवतार की तरह विस्तार लेता गया। तो जब आप गुरुदेव से मिलने आते थे तो आपको इसका उसकी ऐसा अंदाजा था कि इतना विस्तार मिशन लेगा, ऐसा अंदाजा था कि आपको? वैसा अंदाजा हमारे को था कि हम क्या वहां, मैं है ना जब मेरी जो पत्नी माँ थी उनमें आता जाता रहता था, तो रोज वहाँ है ना जो आने जाने वालों के सत्र है ना जो बढ़ते जा रहे थे, मतलब स्थान छोटा होता जा रहा था। तो एक बार की घटना थी, गुरुदेव ने कहा वहाँ एक है ना जो जैसे हम है ना जो पहले भोजनालय ऊपर चलता था तो बाहर एक वाटिका लगी हुई थी बड़ी अच्छी, तो गुरुदेव ने कहा कि बोले है ना जो इसको हटाओ वाटिका को, हाँ तो वहाँ क्या उसमें हलचल होगी पूरी शांति बनी। बोले गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं इधर, तो ये तो पेड़ लगे। उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत भीड़ नजर आ रही है, क्या इतनी भीड़ नजर आ रही है कि यहाँ है ना जो स्थान ये छोटा पड़ेगा। और उसके बाद है ना जो हमने देखा आगे, हमने जो अनुभव किया कि आगे है ना जो पीछे जमीन भी एक सीमित थी, उसका जमीन का भूमि का भी विस्तार होता चला गया। जैसे जैसे विस्तार होता गया उसके साथ ही मेरे को मेरी जो मुख्य दो घटनाएं ऐसी भी, एक तो क्या मेरे साथ एक मित्र गए थे, हमारे बच्चों की बर्थडे थी उसमें एक डॉक्टर थे एक इंजीनियर आया, वो रिटायर्ड हो गए मेरे साथ ही थे। तब गुरुदेव है ना जो अज्ञातवास में रहते थे, लोग कहते थे, लोग मजाक करते थे उनका, अरे यार ये क्या अज्ञातवास होता था, वो क्या सूक्ष्म रूप में है ना जो हिमालय रहते थे, स्थूल शरीर से वहां रहते थे, इस तरह से हमने देखा था। तो उनको दूर से दर्शन करना होता था, तो ऐसा हमारे को क्या, मैं तो एक पारिवारिक मेंबर था तो वहां मौका मिला हमारे को, तो हम गए। तो हमारे साथ मित्र है ना, जैसे आज मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा हूँ और प्राइवेसी में इन्होंने बुला लिया, तो मेरे साथ अगर कोई चीज है ना जो वहाँ कैमरे सब मना थे, मेरे साथ ही कैमरे लिए उन्होंने जो फोटो लिए, तो उन्होंने है ना जो वहाँ चार फोटो लिए तो चारों ब्लैंक आए। अब वो क्या मसूरी वगैरह जहां जहां भी वो घूमे रहे, नैनीताल वगैरह, किसी में भी एक फोटो खराब नहीं हुआ। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि मैं है ना मेरी बुआ की शादी में, मैं ब्लड बुआ के लड़के का एक्सपायर हो गई थी, तो वहां कोई ऐसा केस हो गया था 302 का, उसमें मेरे को है ना मेरा स्केच बना के डाल दिया था किसी ने, तो मेरे को वहाँ है ना जो सीधा सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया 30 साल पे, और सीबीआई ने अरेस्ट करके मेरे को मेरे पूरे प्रमाण है ना इकट्ठे कर लिए, और जयपुर के सबसे बड़े जो राजस्थान जो पत्रिका आती थी उसमें मुखपृष्ठ में था कि गुरुदेव नहीं उसमें ये था कि कुख्यात हत्यारा गिरफ्तार, उससे सोने की चेन बरामद, सारे सबूत मेरे से है ना जो मेरे फिंगरप्रिंट वगैरह सब ले लिए थे। मैंने है ना जब मेरे को ले जाया गया सीबीआई, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, माताजी से प्रार्थना की, तो भाई मैंने ऐसा कौन सा गुरुदेव अपराध किया है क्या है? और यहाँ तक कि मेरे एनकाउंटर की योजना बन चुकी थी, क्या एनकाउंटर हो जाता मेरा अगर, तो जब उनको मतलब एक आश्चर्य हुआ जब मैंने प्रार्थना करी, तो उनके बाद है ना जो उनको एक घंटे बाद उनका जो इंस्पेक्टर था एक डिवाइस किया, बोले यार इसको अभी छोड़ो क्या, और मेरे से कहा कि बोले यार तू बहुत अप्रोच रखता है, तो मेरे को बेचैनी हो रही है, किसने उसने डिवाइस में निकाला डिवाइस पे रहता है, उसने कहा यहाँ से निकालो इसको बाहर। मेरे को डर लगा कि मेरे को ऐसा नहीं हुआ एनकाउंटर कर दे, तो मैं जैसे रात की 11 बजे थे, मैं जैसे जयपुर सीबीआई कार्यालय से बाहर निकला, बाहर निकलते ही एक ऑटो आगे खड़ा होता है, उन्होंने कहा तू बैठ सही थे, अब मैं सीधा फिर हरिद्वार गया, बाबूजी वहीं थे, माताजी ने कहा कि बेटा तेरे कोई अपराधी नहीं किया तो तू निश्चित हो जा, वापस जा तू, यहाँ मत रुक, यहाँ कोई तेरे को बचाने नहीं आए क्या, ये तो कोई तेरा पुनर्जन्म का कोई ऐसा था, वो निकल गया सही।
बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया आदरणीय खेमराज जी यादव ने, और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी के जीवन से जो भी जुड़ा, जो भी उनके साहित्य के संपर्क में आया, उसको हमेशा जीवन में अलौकिक घटनाओं उनके जीवन में होती गई, और उनको गुरुदेव माता जी ने हमेशा सूक्ष्म शरीर के रूप में आकर हमेशा मार्गदर्शन दिया और अनेकों कठिन परिस्थिति से निकाला, जैसा कि अभी आदरणीय यादव साहब ने शेयर किया। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में 85 वर्षीय लटू लाल जी यादव भी उपस्थित हैं, जिनकी आंखों का दोनों आंखों का ऑपरेशन सुनने चिकित्सालय में संपन्न हुआ था। और आदरणीय यादव साहब ने मुझे बताया था कि 26 दिन पहले गुरुदेव ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था, और 2 जून 1990 को गुरुदेव ने राजगुरु जयंती के अवसर पर सवेरे 8 बजे माँ तेरे चरणों में हम शीश नवाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर 2 अश्रु चढ़ाते हैं, जब ये संगीत बजा उसके साथ ही गुरुदेव अनंत यात्रा पर निकल गए। वो सूक्ष्मीकरण और सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर के माध्यम से आज भी असम के बालकों को, अनगिनत लोगों की चेतना में प्रकाश भरने का काम कर रहे हैं। COVID-19 जैसी महामारी की भविष्यवाणी उन्होंने 1986 के एक वीडियो के माध्यम से कर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आगे विनाश और विकास दोनों साथ साथ चलेंगे, सृजन का काम भी होगा, विध्वंस भी होगा। साथियों, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का दर्शन करने का मुझे मौका मिला, और आज उनके आशीर्वाद से ही इस प्रकार की जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आदरणीय रतनलाल जी यादव साहब हैं, उनसे दर्शन करने का, उनका ऑपरेशन करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस जीवन में अनेकों महान पुरुषों से, अनेकों दिव्यात्माओं से संपर्क करने का मौका मिला और सन्मार्ग पर अरुणत चलने की प्रेरणा मिलती रही। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जाते जाते एक और डॉक्टर साहब निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव ने इनसे लोगों की पीड़ा ली और उन्होंने जो सबको प्रसन्न किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उन्होंने दुनिया की पीड़ा ली है, जिसकी कभी मतलब जिसका अंदाजा अगर अपन ढेर करें तो मतलब उसका ढेर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहा। धन्यवाद, नमस्कार।